तो हम लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, हम लोगों को पता है कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक होता है, तो एक स्ट्राइक होता है जो फेक स्ट्राइक भी होता है, ठीक है दोस्तों। ये स्ट्राइक भी बहुत खतरनाक होता है, जो इसमें भी हम लोग के चैनल सस्पेंड हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इस जो फेक स्ट्राइक होता है, ये आता कैसे है, इससे आपको बचना कैसे है, क्योंकि भाई चैनल का सवाल है, चैनल डिलीट हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी, ठीक है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग, हम बता दें कि ये जो फेक स्ट्राइक होता है ना, इसमें भी हम लोग का चैनल वास्तव में डीड हो सकता है, ठीक है दोस्तों। आखिर ये स्ट्राइक कैसे आता है, जैसे कि दोस्तों आपको किसी ने अगर फेक स्ट्राइक दिया है ना, तो आपको मेल के जरिए आपको उसमें बोलेगा कि मुझे कुछ पैसा चाहिए ताकि हम इस स्ट्राइक हम हटा देंगे, ठीक है। तो अब डर के मारे अगर कोई कोई दोस्तों पैसा दे भी देता है, अगर कोई नहीं देने को चाहिए तो उसको दो तीन स्ट्राइक दे देता है और उसका चैनल सस्पेंड डिलीट हो भी सकता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग को यह मेन टॉपिक है कि हम लोग इस फेक स्ट्राइक से हमें बचना कैसे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आप लोग बता दें कि आप अगर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हो, कभी भी MP4 फाइल से वीडियो अपलोड ना करें, एक तो MOV फाइल से अपलोड करें या फिर 4K फाइल से अपलोड करें, ठीक है। तो इससे आपको कभी भी फेक स्ट्राइक नहीं आ सकता, ठीक है दोस्तों। आप अभी जानना चाहो कि MOV फाइल और 4K फाइल में स्ट्रक कहे नहीं आएगा दोस्तों। आप लोग दोस्तों हम आप लोग बता दें कि जैसे कि हम लोग यूट्यूब पर से कोई भी वीडियो डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो वो डाउनलोड वाला फाइल ओनली हम लोग को 4K में 1080 या 720 ओनली MP4 में डाउनलोड मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग MP4 फाइल यूट्यूब में अपलोड किए रहेंगे तो कोई भी स्ट्राइक दे देगा, ठीक है, और उसमें यूट्यूब को पता चल जाएगा कि ये जो वीडियो है जो MP4 यानी कि कहीं से डाउनलोड किया है और इसको अपलोड किया है, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल फाइल नहीं है। तो यूट्यूब मैंने उसको अगर कोई उस वीडियो में आपको स्ट्राइक दिया है तो यूट्यूब उसको एक स्ट्राइक गिन लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग अगर MOV फाइल और 4K फाइल जो होता है ना, जो वो मास्टर फाइल होता है, जो MOV फाइल आपका PC लैपटॉप में बनता है और जो मोबाइल में बनाने वाला वो तो काइन मास्टर में तो बनता नहीं है, लेकिन आप 4K फाइल बनाइए, ब्राइट थोड़ा कम करके बनाए तो आपका MB तो कम हो जाएगा और उसे अपलोड कीजिए तो कभी भी आपको स्ट्राइक नहीं आएगा, ठीक है। या फिर आप VN एप्लीकेशन उसको यूज कर सकते हैं, जो वहाँ फाइल MOV में मैंने MOV फाइल में सेव होता है, ठीक है, उसको अपलोड कीजिए, उसमें कभी भी आपको फेक स्ट्राइक नहीं आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको दोबारा फिर से बता दें कि फेक स्ट्राइक है, तो दोस्तों आपको दोबारा फिर से बता दें कि ये जो फेक स्ट्राइक है ना, वो MP4 फाइल से हम लोग फेक स्ट्राइक को हम लोग दे देता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे तो 4K फाइल अपलोड कीजिए या फिर MOV फाइल अपलोड कीजिए, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ गए होंगे, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेस्ट लक, अपना ख्याल रखें।